बहुत सारी कंपनियों का लोगो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन राज की बात आप लोगों को पता है, उन लोगोज का बहुत सारा मीनिंग होता है। उन लोगोज के पीछे उनको बनाने का जो आइडिया होता है वो बहुत यूनिक होता है। तो आज हम लोग इस फन फैक्ट वाले वीडियो में उन्हीं सारी लोगोज के बारे में बात करेंगे। तो 10 कंपनियां मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं जिनके लोगों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, उसके पीछे के राज के बारे में, उसके पीछे के रहस्य के बारे में, और ये भी देखेंगे कि बनाते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो पहली जो लोगो है वो है सोनी वायो की। सोनी वायो में देखिए आप लोग दिख रहा होगा VAIO। ये VA जो है ये एक्चुअली में VA तो है ही, साथ में ये एक वेव है, वेव इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो वेव, इस तरह का वेव है। और IO जो बनता है वो डिजिटल फॉर्म होता है। कंप्यूटर जब हम लोग ऑन ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं ये बाइनरी नंबर होते हैं 1 और 0, जो कि डिनोट करते हैं 0 ऑफ और ऑन को। दूसरा जो है वो है एडिडास। एडिडास आप लोग शूज पहनते हो, टी शर्ट्स पहनते हो या फिर जैकेट्स वगैरह सब कुछ आप लोग पहनते हो, तो एडिडास में देखेगा आपको 3 बार दिखते हैं, ठीक है। ये 3 बार एक्चुअली में एक माउंटेन का रूप डिक्लेयर करते हैं, एक माउंटेन को डिक्लेयर करते हैं, पहाड़ को डिक्लेयर करते हैं कि आप इसके साथ पहाड़ को भी पार कर सकते हो। यानी बहुत अगर ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं आपके साथ तो आप एडिडास का शूज वगैरह पहन के आप पहाड़ों को भी पार कर सकते हो। इसको बनाने का यही मोटो था। अब जब हम लोग शूज और जैकेट्स वगैरह की बात कर ही रहे हैं तो नाइकी को क्यों पीछे छोड़ दिया जाए। नाइकी जो कंपनी है उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक टिक मार्क है। ये एक्चुअली में टिक मार्क नहीं है, ये नाइकी जो है वो एक ग्रीक गॉड का सिंबल है जिसके पंख बने होते हैं। तो अगर आप लोग टिक मार्क को थोड़ा सा स्लाइट मोड़ दिया जाए तो ये एक पंख का रूप ले लेते हैं, और अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो ये दूसरे तरफ का पंख बन जाता है। तो ये विंग्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो आप हम सबको ही जानते हैं, पहचानते हैं, वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते भी, और वो है अमेजन। अमेजन से हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अमेजन के नीचे एक स्माइली है। ये एक्चुअली में स्माइली नहीं है, ये एक तीर है, एक एरो है जो डिनोट करती है कि हमारे यहाँ A to Z सभी चीजें मिलती हैं। तो अब जब नेक्स्ट हम लोग बात कर ही रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, ई कॉमर्स साइट की, तो फ्लिपकार्ट को क्यों पीछे छोड़ दिया जाए। फ्लिपकार्ट में आपने F को देखा होगा, F का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, इसका सिंबल भी थोड़ा सा अलग है। ये डिनोट करता है शॉपिंग कार्ट्स को, जो हम लोग बड़े बड़े बिग बाजार या फिर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो एक कार्ट होता है, वो उस कार्ट को डिनोट करता है। जब ऑनलाइन की बात कर ही रहे हैं तो विकिपीडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसका लोगो आपने देखा है, एक ग्लोब है, लेकिन टूटा हुआ ग्लोब है, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं उन सबको मिलाइएगा तो आपको विकिपीडिया लेटर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इस ग्लोब को कम्प्लीट क्यों नहीं किया गया, इनका मानना है विकिपीडिया जो साइट है उसका नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी ये बंद नहीं हो सकता है, नॉलेज हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। इसलिए जो ग्लोब का ऊपर का पार्ट है वो कंप्लीट नहीं किया गया है, इनकम्प्लीट रखा गया है, ताकि वहां से नॉलेज हम लोगों को मिलता रहे और वो बंद ना हो कभी। बचपन में और अब भी हम लोग सबको आइसक्रीम खाना तो बहुत पसंद करते हैं, तो बैस्किन रॉबिन्स नाम की एक कंपनी है जो आइसक्रीम फ्लेवर्स बेचती है या आइसक्रीम बेचती है। बैस्किन रॉबिन्स का जो लोगो है वो BR से बनता है, BR, ठीक है। इसका एक यूनिक पार्ट ये है कि बैस्किन रॉबिन्स में सिर्फ 31 फ्लेवर ही मिलते हैं, और अगर आप लोग कलर डिवाइड कर दो तो बैस्किन का बी उसमें जो 3 है वो अलग कलर का है, और उसी तरह रॉबिन का आर जो है उसका जो लकीर है वो अलग कलर का, वो दोनों मिलकर के 31 बनाते हैं। तो ये डिनोट करता है कि कितने फ्लेवर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है सन माइक्रोसिस्टम्स। अब सन माइक्रोसिस्टम्स का जो लोगो है वो कुछ इस शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो वहां पे सिर्फ U और N बना हुआ है, S नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग उसको थोड़ा सा ग्लैंस से पढ़ते हैं, थोड़ी सी दूरी से पढ़ते हैं, तो वो हम लोगों को SUN इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है, जबकि वहां पे S लेटर है ही नहीं, वहां पे सिर्फ U और N है, लेकिन इस तरह से बना हुआ कि सन हम लोगों को हर तरफ से पढ़ने में नजर आता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एप्पल कंपनी की। एप्पल कंपनी का लोगो जो है वो यूनिक है, आपको सिर्फ लोगो देख करके पता चल जाएगा क्योंकि वो है ही एप्पल, ठीक है, आप उसको देख करके पता कर सकते हो कि ये एप्पल है।
इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि डिजाइनर ने कहा, जो इस लोगो को डिजाइन किया है जिन्होंने, उनका कहना है कि बस यूं ही रैंडमली उठा लिया गया है। लेकिन अगर एप्पल का फैन बेस, जो उसके फैंस हैं, उनकी माने तो ये डिनोट करता है पहले एप्पल को, यानी जब एडम और ईव की कहानी में जो एप्पल है जिसको खाकर एडम को नॉलेज आया, उसे पता चला कि लाइफ कैसी होती है, क्या होता है रिप्रोडक्शन वगैरह, तो ये एप्पल जो है, खाया हुआ एप्पल, उस चीज को डिनोट करता है कि हाँ, इस एप्पल से आपको नॉलेज मिलने वाली है। दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी है फेडेक्स। फेडेक्स का लोगो तो बस दिखने में ऐसा ही फेडेक्स जैसा मालूम होता है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको ई और एक्स के बीच में एक एरो नजर आएगा। तो फेडेक्स कंपनी के लोगो मेकर और अधिकारियों का कहना था कि फेडेक्स में जो ई और एक्स के बीच में जो एरो बना हुआ है, ये कंपनी की स्थिरता, स्पीड, डायरेक्शन और प्रिसीजन को डिक्लेयर करता है। तो यही सारी छोटी छोटी चीजें जो कंपनी के लोगोज में छुपी हुई होती है और हम लोगों को पता नहीं चलता है, तो मुझे लगा कि आज हम लोग, मुझे आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने इस चीज को लेकर के आया हूँ। तो आज के लिए रखते बस इतना ही। मुझे मौका दीजिए गिव अवे करने का, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लग रही है मेरी सीरीज, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।